नमस्कार साथियों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल मिशन तैयारी में। और दोस्तों, जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2019 को, उसके क्वेश्चंस के बारे में और उससे रिलेटेड क्या उसके आंसर्स हैं उसके बारे में। तो ये वीडियो मैं उनके लिए लेके आया हूँ जो बच्चे क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस क्या क्या आए थे इस बार के पेपर में, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहला सवाल, अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शंस थे सिक्किम, गोवा, गुजरात, तेलंगाना, और इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सबसे पहले गुजरात बना, फिर बना सिक्किम, फिर बना आपका गोवा, और सबसे लास्ट में बना है तेलंगाना जो कि 2014 में बना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिसी इवेल्युएशन लेज एम्फेसिस ऑन डिटरमाइनिंग द सक्सेस लेवल इन अचीविंग इन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑप्शंस थे प्रोग्राम स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोग्राम इंपैक्ट इवेल्युएशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रोग्राम इंपैक्ट इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर करेक्ट रिगार्डिंग द अडॉप्शन ऑफ इंडक्टिव मेथड। आपके ऑप्शंस थे प्लाटो, मैकैवली, थॉमस, फिर या थॉमस होब्स। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बी एंड डी, मैकैवली और थॉमस होब्स का उन लोगों ने अडॉप्ट किया था इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें दिए हुए थे ऑप्शंस राइट टू एजुकेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट, और आपको सही ऑप्शन चूज करने थे। और दोस्तों, इस आंसर को यूजीसी नेट ने नॉर्मलाइज कर दिया है और इसका सही जवाब नहीं दिया है। इसके जो मार्क्स हैं वो सारे बच्चों को अलॉट हो गए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ द ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी 2012। आपके ऑप्शंस दिए हुए थे सेटिंग अप ऑफ वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मैनेजिंग द वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स, वाटर यूजर्स एसोसिएशन शुड बी गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मतलब ऑप्शन नंबर 2। इसका है ए, बी, सी एंड डी, तो मतलब ये चारों के चारों सही है। उसके बाद है 6, अगाना सूता डील्स विथ। आपके दिए हुए थे ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्ट, ओरिजिन ऑफ सेक्युलरिज्म, ओरिजिन ऑफ सिक्स फोल्ड पॉलिसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए एंड बी, इट डील्स विथ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्ट। 7 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जी ए आमंड कंपैरेटिवली होमोजीनियस कल्चर इज फाउंड इन। आपके ऑप्शंस थे डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज। उसके बाद है 8 प्रश्न, मेक अ सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग अप्रोच। आपके ऑप्शंस दिए हुए थे सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सेलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव, डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सबसे पहले होगा बी, दैट इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, उसके बाद होगा सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, उसके बाद होगा डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, और सबसे आखिर में होगा सेलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। उसके बाद है 9 क्वेश्चन जो है, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आपके ऑप्शंस थे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, फिनेंशियल ऑटोनॉमी, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन या डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए, बी और सी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, फिनेंशियल ऑटोनॉमी भी देता है और एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। उसके बाद 10th क्वेश्चन है,
given below are the two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. तो assertion क्या दिया हुआ है? Assertion दिया हुआ है, according to Plato, human soul consists of three elements, reason, spirit and aptitude. और reason क्या दिया हुआ है? The state is in the individual writ large. तो आपको correct option choose करना था, तो इसमें जो correct option है, वो है fourth, that is A is false, A जो है वो false है, but जो इसका reason है, वो true है. उसके बाद है 11th question. 11th question is, which of the following is not related to Kabir? आपके options थे, Begumpura, Bhakti, Panchvani या फिर Gender Inequality. तो इसका सही option है, option number A, that is Begumpura, मतलब 1. 12th प्रश्न है, name the editor of the book towards a new public administration, Minnowbrook. आपके options हैं, James Charlesworth, Frank Marini, W.F. Willoughby या फिर Frank J. Goodenough. तो इसका सही जवाब है, that is option number 2, Frank Marini. उसके बाद था, arrange the following in their chronological order. तो क्या क्या दिए हुए थे? दिया हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, रिपोर्ट सबमिशन बाय हंटर कमेटी, चौरी चौरा इंसिडेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सबसे पहले ए हुआ, सबसे पहले जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, फिर हुआ रिपोर्ट सबमिशन बाय हंटर कमेटी, फिर उसके बाद हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट, और सबसे आखिर में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी हुआ, जो कि 1923 में हुआ. उसके बाद है 14 पूछ रहा है, द बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज रिटन बाय. आपके ऑप्शंस हैं, लूसियन पाई, जीए आमंड, जीएच सबाइन या फिर मॉरिस डुवर्जर. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लूसियन पाई. उसके बाद 15th क्वेश्चन में आपसे पूछा था, मैच द फॉलोइंग टू फैक्टर थ्योरी. इसके साथ इधर पे जो ऑप्शन मतलब ए जो है उसमें दिया हुआ था टू फैक्टर थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ नीड्स, थ्योरी एक्स एंड वाई. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज ए का होगा 4th. टू फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दिया था? हर्ज़बर्ग ने. और हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी किसने दिया था? मैस्लो ने. फिर थ्योरी ऑफ नीड्स किसने दिया है? थ्योरी ऑफ नीड्स दिया है मैकलैंड ने. और सबसे आखिर में है थ्योरी एक्स एंड वाई, ये किसने दिया है? मैकग्रियोर ने दिया है. उसके बाद 16th क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक नेशन एंड नेशनलिज्म इज. तो इसका सही जवाब है अर्नेस्ट जेलनर. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1. उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. आपके ऑप्शन उसमें जो दिए हुए थे वो थे, नॉट मोर देन 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, Representatives of Puducherry in the Rajya Sabha are elected. Third schedule of the constitution deals with the allocation of seats in Rajya Sabha to the states. Fourth schedule of the constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states. तो इसका सही option है option number 4th, that is A, B और D जो है ये correct है. उसके बाद है, which article of the Indian constitution provides power to the president to promulgate ordinance. आपके options थे, article 123, article 221, article 222, article 223. तो इसका सही जवाब है 1, that is article 123. उसके बाद है, which of the following pairs are correctly matched. तो आपके options दिए हुए थे इधर पे, ये था John Rawls, egalitarian, प्लेटो आइडियलिस्ट, फिर है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, कम्युनिस्ट या ग्राम्स्की फेमिनिस्ट. तो आपको देखना था कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए और बी जो है वो करेक्टली मैच्ड है, मतलब जॉन रॉल्स और प्लेटो जो मैच किया हुआ है वो करेक्ट है. उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्ट. आपके दिए हुए थे, इट इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ग्लोबल ट्रेड रूल्स बिटवीन नेशंस, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1996, इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा या फिर इट एम्प्लॉयज सम 680
स्टाफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, दैट इज ए और सी जो है वो करेक्ट है। क्या है ए और सी? इट इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल ट्रेड रूल्स बिटवीन नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जिनीवा में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू डेवलपमेंट। आपके ऑप्शंस दिए हुए थे, द डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स टू डेवलपमेंट वॉज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली इन 1986। फिर है दिस इज एन इनएलिनेबल ह्यूमन राइट, इट फाउंड नो प्लेस इन द 1993 वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। In 1990, the Commission on Human Rights established a working group to monitor its progress. तो इसका सही आंसर है वन, दैट इज ए और बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है Who had formed the Society for Right to Die with Dignity? आपके थे ऑप्शंस जयप्रकाश नारायण, मीनो मसानी, कृष्णा अय्यर या फिर मेधा पाटेकर। तो इसका सही जवाब है मीनू मसानी। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग फोर रिपोर्ट्स ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपको अरेंज करना था, इसमें दिए हुए थे राइट टू इंफॉर्मेशन, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, क्राइसिस मैनेजमेंट, इथिक्स इन गवर्नेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज सबसे पहले आएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके बाद आया है अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, उसके बाद है क्राइसिस मैनेजमेंट और सबसे आखिर में होगा एथिक्स इन गवर्नेंस। उसके बाद है 24th question में पूछ रहा है हु इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ लिबर्टेनिज्म। तो आपके ऑप्शंस थे रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रेडमैन, रॉबर्ट दहल या फिर एफ ए हैक। तो इसका सही जवाब है थर्ड, दैट इज रॉबर्ट दहल। 25th question है हु डिफाइन लीडरशिप एज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विथ जील एंड कॉन्फिडेंस। आपके ऑप्शंस थे कून्स एंड ओ डोनेल, चेस्टर बर्नार्ड, एमपी फॉलेट या फिर पीटर ड्रकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज कून्स एंड ओडोनेल। उसके बाद था 26th question व्हेन डिड इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑप्शंस थे 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, दैट इज 1946। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन इज असर्शन एंड द अदर वन इज रीजन। असर्शन क्या था? असर्शन इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 24th October 1945। रीजन में क्या दिया हुआ था? इट मेन ऑब्जेक्ट इज टू स्टैब्लिश वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, दैट इज ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद पूछा है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इलेक्शन टू द पंचायती बॉडीज आर कंडक्टेड इन इंडिया। आपके ऑप्शंस थे आर्टिकल 243 जे, आर्टिकल 243 एल, आर्टिकल 243 के या फिर आर्टिकल 243 एम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, दैट इज आर्टिकल 243 के। उसके बाद है 29th question में पूछ रहा है विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा। आपके ऑप्शंस थे आर्टिकल 243 ए, आर्टिकल 243 बी, आर्टिकल 243 सी या फिर आर्टिकल 243 डी। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 243 ए। उसके बाद 30th question पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज करेक्ट।
आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, पब्लिक पॉलिसीज हेल्प्स इन अचीविंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसीज हेल्प मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इट्स बेसिक पर्पस इज टू सर्व इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स, पब्लिक पॉलिसी एम्स एट शेपिंग द सोसाइटी फॉर इट्स बेटरमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए बी और डी तीनों करेक्ट हैं, सी गलत है। उसके बाद है 31st question, 31st question ने पूछ रहा है रिक्स फ्यूज मॉडल इज बेस्ड ऑन, आपके ऑप्शंस दिए हुए थे डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, अटेनमेंट वैल्यू इन सोसाइटी, डोमिनेशन ऑफ रॉयल फैमिली, या फिर इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन बाटा सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है, इसमें कि चूज द राइट ऑप्शन था वो है ऑप्शन ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो सही जवाब होगा 1। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स आर फ्रॉम इटली, कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1 और 2 दोनों इटली से थे, पेरिटो और मॉस्का जो है ये इटालियन थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स वॉज नॉट मैंशन बाय रूजवेल्ट, आपके ऑप्शंस थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, या फिर फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ये मेंशन नहीं था रूजवेल्ट के फ्रीडम्स में। उसके बाद 34th question, 34th question पूछ रहा है इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर द नाइटहुड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13th of April 1919 को, तो और उसी साल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1919। उसके बाद है 35th question, 35th question में है मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 में कुछ ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में बुक्स के नाम दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए का होगा 3rd, बी का होगा 4th, सी का होगा 1, डी का होगा 2। तो पॉल एच एपलीबी का होगा आंसर ए का होगा 3rd, दैट इज मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फिर बी का होगा 4th और सी का होगा 1 एंड डी का होगा 2। उसके बाद है फिर से मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में कुछ आर्टिकल्स दिए हुए राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ आर्टिकल्स से रिलेटेड चीज दिए हुए। तो इसमें आपको दिया हुआ कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर टू और मोर स्टेट्स, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए का होगा 3rd, कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर टू और मोर स्टेट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 231, आर्टिकल 231। उसके बाद है बी का होगा 4th, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस ऑफ हाई कोर्ट, ये होगा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 228। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये होगा 2, दैट इज आर्टिकल 233। और सबसे लास्ट में होगा डी का 1। उसके बाद फिर से 37th में फिर से मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, इधर में लिस्ट 1 में दिया हुआ है स्कूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन और लिस्ट 2 में दिया हुआ है थिंकर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए का होगा 1, साइकोलॉजिकल स्कूल है जो वो डैनियल लर्नर का है, फिर नॉर्मेटिव स्कूल थिंकर कौन है इसके, बी का होगा 2, दैट इज महात्मा गांधी, फिर है स्ट्रक्चरल स्कूल, इसके जो थिंकर है वो है जी ए आमंड, और सबसे आखिर में है टेक्नोलॉजिकल स्कूल, उसके लीडर है डेविड एप्टर, दैट इज 4th। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एनफोर्स्ड इन, आपके ऑप्शंस थे 1997, 2005, 2000 या फिर 2006, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd, इट वॉज इन्फोर्स इन द ईयर 2005। 39th क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडिया ज्वाइन एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल,
आपके ऑप्शंस थे ऑप्शन नंबर 1 1st of August 2019, फिर है 1st January 2019, फिर है 1st June 2019, फिर है 1st July 2019. तो इसका करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज 1st of January 2019. उसके बाद है 40th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेसिडेंट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज करेक्ट. आपके ऑप्शंस दिए हुए थे, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द जोनल काउंसिल्स, ही इज द हेड ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल, ही कैन डिस्क्वालिफाई अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 102 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, या फिर उसके बाद दिया हुआ था 4th वाला, ही कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी एट हिज डिस्क्रिशन. तो आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ही कैन डिस्क्वालिफाई अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 102 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. उसके बाद है 41st, इसमें बोल रहा है हु सेड एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट दैट इट मेंटेन्स. आपके ऑप्शंस थे लास्की, हेगल, ग्रीन या फिर बार्कर. तो 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लास्की. 42nd क्वेश्चन है विच इंसिडेंट मेड पेरियार एन एथीस्ट. तो आपके ऑप्शंस थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट, द्रविड़ा नेशनल मूवमेंट या डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट. 43rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग चाइनीज पॉलिसी ऑफ थ्योरी ऑफ पाम एंड फाइव फिंगर्स. इसमें दिया हुआ था इट इंक्लूड्स भूटान एंड नेपाल, इट इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख, इट इंक्लूड्स मिजोरम एंड मणिपुर, एंड इट इंक्लूड्स त्रिपुरा एंड नागालैंड. तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज ए एंड बी. ए और बी क्या क्या है, इट इंक्लूड्स भूटान एंड नेपाल, और इट इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख. 44th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर वुमेन्स इक्वालिटी. आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे जो कि है इन्फीरियोरिटी ऑफ वुमेन टू मेन इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड हैज नो लीगल जस्टिफिकेशन, नॉन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी टू द कंडीशंस ऑफ वुमेन इन पैराडॉक्स इज पैराडॉक्सिकल, फिर वुमेन्स आर नेचुरली इन्फीरियर टू मेन, वुमेन्स इनइक्वालिटी सर्वाइव बिकॉज इट वॉज जस्टिफिएबल. तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज ए और बी जो है वो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं फॉर वुमेन्स इक्वालिटी के लिए. 45th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज. आपके जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो था सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन या फिर है रूल एडजडिकेशन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th, दैट इज रूल एडजडिकेशन. उसके बाद है 46th क्वेश्चन में पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय मैरी वॉल स्टीनक्राफ्ट. तो ये इसमें पूछा है कि पूरे बुक का टाइटल का क्या नाम है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स. उसके बाद था 47th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग यूएन सिस्टम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसमें था IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सबसे पहले होगा फर्स्ट, फिर होगा 3rd, फिर होगा 4th, और उसके सबसे आखिर में होगा 2nd. करेक्ट ऑप्शन है इसका 2. उसके बाद 48th क्वेश्चन है, अ
अरेंज द फॉलोइंग बुक्स एज पर द ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें कुछ बुक्स दिए हुए थे जो कि है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू, दैट इज सबसे पहले होगा डी द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, फिर होगा सी दैट इज पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, फिर होगा ए दैट इज मॉडर्न डेमोक्रेसीज, और सबसे आखिर में होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। 49th क्वेश्चन है अर्थशास्त्र इज नोन एज श्रुति, संहिता, स्मृति या नीति शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ दैट इज नीति शास्त्र। और 50th क्वेश्चन है अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कुछ दिए हुए थे उनको अरेंज करना था हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन दैट इज सबसे पहले होगा रोजियो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसके बाद होगा बी दैट इज जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके बाद आता है ए बेन एंड आर एस पीटर्स सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, और सबसे आखिर में आएगा सी दैट इज सुजैन। उसके बाद है दोस्तों 51st क्वेश्चन। 51st क्वेश्चन में पूछ रहा है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन इज असर्शन एंड द अदर वन इज रीजन। आपके असर्शन में दिया हुआ था शिमला पैक्ट वॉज साइंड बाई इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972। फिर रीजन क्या दिया हुआ था, इट प्रोवाइड्स दैट द टू कंट्रीज विल सॉल्व देयर डिस्प्यूट्स थ्रू मेडिएशन ऑफ अदर कंट्रीज। तो आपको चूज करना था करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा दैट इज ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। उसके बाद है 52nd क्वेश्चन। 52nd क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इंडो पाकिस्तान रिलेशंस एज कश्मीर। आपके दिए हुए थे ऑप्शंस में जो थे वो थे द सिक्योरिटी काउंसिल फर्स्ट डिस्कस्ड द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1948, फिर अ समिट मीटिंग टुक प्लेस इन 2004 इन इस्लामाबाद बिटवीन अटल बिहारी वाजपेयी एंड परवेज मुशर्रफ, अ बस सर्विस अक्रॉस द सीज फायर लाइन्स वॉज इनोग्रेटेड इन 2006, या फिर आपके लास्ट में दिया हुआ था टेररिस्ट अटैक्स ऑन समझौता एक्सप्रेस वॉज मेड इन 2007। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन दैट इज इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 53rd क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसमें दिया हुआ है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इप्सा, G7 या फिर G20। तो 53rd का आंसर है वन दैट इज सबसे पहले आया है G7, उसके बाद आया है G20, उसके बाद है IBSA इप्सा, और सबसे आखिर में है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। 54th क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज यूनेस्को सेटअप। आपके ऑप्शंस दिए हुए थे 1945, 1946, 1947 या 1948। तो दोस्तों यूजीसी ने इसका आंसर दिया है कि 1945 भी सही है, 1946 भी सही है। तो इन दोनों में अगर आपने कोई भी टिक किया होगा तो ये करेक्ट है। उसके बाद है 55th क्वेश्चन। द बुक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज इज रिटन बाय। आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, इसका आंसर है SP हंटिंगटन। 56th क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। आपके ऑप्शंस दिए हुए थे हर्बर्ट मार्क्यूस, एरिक फ्रोमन फ्रॉम, या फिर जुर्गिन हेबरमास, या फिर थॉमस फ्रेडमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू दैट इज एरिक फ्रोमन। 57th क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें था ग्लोबलाइजेशन मींस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन गिव्स एम्फेसिस ऑन मार्केट इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन गिव राइज टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू सुपरवाइज इकोनॉमी, या फिर ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू परपिचुएट पैरोकियल कल्चर। तो 57th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू परपिचुएट पैरोकियल कल्चर।
58 है, हु हैड कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, किसने यूटिलिटेरियनिज्म को कंडेम किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं प्लेटो, रॉल्स, हेक या फिर मिल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉल्स। 59th क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया वॉज अपोज टू, आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। उसके बाद आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करना था। तो 59th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ही वॉज अपोज टू कैपिटलिज्म एज वेल एज कम्युनिज्म। 60th है, विच आर द थीम्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, वो था अडॉप्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, परफॉर्मेंस टारगेट्स, अडॉप्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रैक्टिसेस। तो 60th का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए भी सही है, बी भी थीम सही है और सी भी सही है। 61st में क्या दिया हुआ था, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन इज assertion ए एंड द अदर इज रीजन आर। assertion ए में क्या दिया हुआ था कि हर्बर्ट साइमन रिजेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रीजन क्या दिया हुआ है, फॉर साइमन दीज आर मियरली प्रोवर्ब्स। तो आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो 61st का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ assertion और रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 62nd क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स और वेल्थ, हु सेड इट, आपके ऑप्शन दिए हुए थे प्लाटो, मार्क्स, एरिस्टोटल या फिर ग्राम्स्की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एरिस्टोटल। 63rd क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एन इलेक्शन कमिश्नर, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इट इज ट्रू अबाउट इलेक्शन कमिश्नर। आपके ऑप्शन दिए हुए थे ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा ट्रू है। तो 63rd का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। 64th क्वेश्चन में है, मैच लिस्ट 1, दैट इज लिस्ट 1 में दिए हुए थिंकर्स और लिस्ट 2 में दिए हुए उनके काम। तो लिस्ट 1 में क्या क्या है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ग्राम्स्की, फ्रांस फनोन या फिर जॉन रॉल्स दिया हुआ था और इधर में उनके कुछ वर्क्स दिए हुए, उनको मैच करवाना था। तो 64th का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए का होगा 3rd, बी का होगा 4th, सी का होगा 1 और डी का होगा 2। 65th में फिर से मैच द फॉलोइंग है, उसमें एक साइड दिया हुआ है वीटोस दिए हुए हैं और उसके वीटोस के मतलब क्या होते हैं वो दूसरे साइड में दिए हुए, आपको मैच करवाना है। तो जो 65th का सही आंसर है 3rd, दैट इज होगा ए का 4th। सबसे पहले जो है एब्सोल्यूट वीटो होता है, पावर टू से नो टू अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउस। फिर होगा बी का क्वालिफाइड वीटो का होगा 2, क्वालिफाइड वीटो का मतलब होता है प्रेसिडेंट कैन नॉट विथहोल्ड असेंट इफ द बिल इज अडॉप्टेड अगेन बाय द हाउसेस। और सी का होगा 1, दैट इज सस्पेंसिव वीटो का होगा व्हेन अ बिल इज रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। और डी का होगा 3, पॉकेट वीटो का मतलब होता है प्रेसिडेंट में इधर असेंट और रिफ्यूज टू गिव असेंट विदाउट एनी टाइम लिमिट। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 आर करेक्ट, आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें दिया हुआ है इट एम्स टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ 2 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, इट प्रपोजेस फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक एंड फ्री इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज इन ऑल पब्लिक हॉस्पिटल्स। उसके बाद दिया हुआ था रिडक्शन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1 एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल बाई 2025, रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज टू 23, दैट इज पर 1000 बाई 2020। तो आपके आपको सही ऑप्शन चूज करना था, इसमें करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर वन सही है। उसके बाद है 67th क्वेश्चन, उसमें पूछ रहा है हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज डी वेल्डो। 68th क्वेश्चन है हु हैज डिफरेंशिएटेड बिटवीन नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज रूसो। 69th क्वेश्चन में फिर से है मैच द फॉलोइंग, आपके लिस्ट वन में दिए हुए थिंकर्स, लिस्ट टू में उनके वर्क्स दिए हुए। तो लिस्ट वन के थिंकर्स में कौन कौन है, जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, मोहम्मद इकबाल है और बरानी है। तो आपको इसमें सही आंसर चूज करना था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज होगा ए का होगा थर्ड, जयप्रकाश नारायण का जो वर्क है वो है वाई सोशलिज्म, बी का होगा वन, दैट इज राम मनोहर लोहिया का होगा सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, फिर होगा सी का मोहम्मद इकबाल का होगा टू, दैट इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, और सबसे लास्ट में है डी, दैट इज बरनी का होगा फतवो आई जहानदरी। 70th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टी द प्रिंसिपल मेथड्स आर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू ब्लंचली द ट्रू मेथड्स आर फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल वेरी फ्यू थिंकर्स आर प्रैग्मेटिक एंड इंडक्टिव मेथड इज इन कंटेम्पररी टाइम्स जॉन रोल्स हैड यूज डिडक्टिव मेथड्स एंड डॉगमेटिक मेथड्स। तो आपको ऑप्शन सही ऑप्शन चूज करने थे, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज ए भी सही है और बी भी सही है। 71st क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलोगेरी ऑफ केव्स इज रिलेटेड विथ, आपके ऑप्शन दिए हुए थे प्लेटो, मैकेवली, एरिस्टोटल या फिर होब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज प्लेटो। 72nd क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन अंडरटेक इवेल्युएशन स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके ऑप्शन दिए हुए थे ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, द रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज, डायरेक्टिव्स इन लेजिस्लेशन, द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेथड्स डिविजन एक्ट ऑफ मेथड्स डिविजन ऑफ अ मिनिस्ट्री। तो 72nd का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए सही है, बी भी है और सी भी है, डी वाला नहीं होगा। तो आंसर है फोर्थ। उसके बाद 73rd क्वेश्चन है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सॉफ्ट लॉ, आपके ऑप्शंस थे राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू डेवलपमेंट या फिर राइट टू प्रिवेसी। तो सॉफ्ट लॉ किसको मतलब बोलते हैं, वो है राइट टू डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर टू। उसके बाद है द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन इज, 74th का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज सबसे पहले होगा सेंडर, फिर होगा इनकोडिंग, फिर होगा मैसेज और फिर होगा चैनल। 75th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट, प्लेटो लेड मोर एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज देन राइट्स, हिज आइडियल स्टेट वॉज मेयरली एन आइडिया नॉट रियालिटी, ही वॉज नॉट अ फेमिनिस्ट, ही डिड स्पीक अबाउट क्लास स्टेट। तो आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करने थे, 75th का आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज ए भी सही है और बी भी सही है। 76th क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद एज द नेशनल यूथ डे, आपके ऑप्शंस दिए 1984, 1985, 1986 या फिर 1987। तो 76th का आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज इन द ईयर 1984। फिर है क्वेश्चन नंबर 77th, इसमें लिखा हुआ था द टर्म संस्कृताइजेशन वॉज कॉइन्ड बाय, आपके ऑप्शंस थे MN श्रीनिवास, MS गोलवालकर, SP मुखर्जी या एंड्री बेटली।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एम एन श्रीनिवास। उसके बाद 78 क्वेश्चन है, वंदना शिवा इज नोन एज, आपके ऑप्शंस थे पोस्ट मॉडर्निस्ट, मार्क्सिस्ट, इको फेमिनिस्ट या कंजर्वेटिस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इको फेमिनिस्ट। 79th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपके ऑप्शंस हैं नेशन इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ऑप्शन 2 जो है वो है स्टेट इज लीगल कंसेप्ट, थर्ड है नेशनलिज्म इज एट्रीब्यूट ऑफ नेशन, फोर्थ है नेशन एंड स्टेट आर कोटर्मिनस। तो 79th का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेशन एंड स्टेट आर कोटर्मिनस। 80th क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स रिट ऑफ सर्टियोरारी कैन बी इश्यूड बाय द जुडिशियरी। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए थे इसमें लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, लोकस स्टैंडी, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या फिर एरर ऑफ लॉ। तो 80th का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज ए और सी जो है वो राइट आंसर होगा, मतलब लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन में ये ग्राउंड्स ऑफ सर्टियोरारी को इश्यू कर सकता है जुडिशियरी। 81st क्वेश्चन है, द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन आर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए बी और डी। आइए नेचुरल सी बात है, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट लिबरलाइजेशन जब से आया है अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी और डी जो कि है ऑप्शन में 1 में। 82nd क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन ए, एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट थिंकर टू अडॉप्ट इंडक्टिव मेथड बट इट वॉज एन एक्सीडेंटल। रीजन क्या है, इन केस ऑफ मैकेवली यूज ऑफ इंडक्टिव मेथड वॉज इंटेंशनल। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। 82 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 83rd क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विच लिस्ट 2। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 दिए हुए हैं, उसमें कुछ आपको मैच करना है। तो 83rd का मैं आपको सही आंसर बता दूंगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मार्क्स थ्योरी का होगा, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, एलिनेशन जो बी है एलिनेशन का होगा, थर्ड दैट इज जॉर्ज लुकास, और सी कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ एलिनेशन का होगा, टू एरिक फ्रॉम, और जो सबसे लास्ट में बच गया है वन डायमेंशनलाइजेशन वो होगा हर्बर्ट मार्क्यूज का। 84th क्वेश्चन है, व्हेन वाज जयप्रकाश नारायण अवार्डेड भारत रत्न। आपके ऑप्शंस थे 1999, 1998, 1997 या फिर 1996। तो 84th का आंसर है 1, दैट इज 1999। 85th में फिर से मैच लिस्ट करना है आपको, मैच करना है, लिस्ट 1 दिया हुआ है एक साइड लिस्ट 2 दिया हुआ है। तो मैं इसका भी बस आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा, 85th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए का होगा 4th, बी का होगा 3rd, सी का होगा 2 और डी का होगा 1। 86th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें था जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस कैरेक्टर एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए एंड बी, जस्टिस दैट इज सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। 87th क्वेश्चन में है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में जो है नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स दिए हुए हैं। तो इसका भी मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज होगा ए का होगा 4th, बी का होगा 3rd, सी का होगा 2
और डी का होगा 1। उसके बाद है द बेस्ट प्रोपाउंडर ऑफ प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप वॉज टी एच मार्शल, एंथोनी गिडिंस, बी एस टर्नर या फिर डेविड हेल्ड। तो 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बी एस टर्नर। 89th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट आर करेक्ट। तो आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें आपको बताना था कौन करेक्ट है। तो 89th का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। 90th क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग आश्रमास या फिर इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय गांधी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो ये आश्रमास इंस्टीट्यूशन फाउंड किया है गांधी जी ने, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। सबसे पहले दिया हुआ था फिनिक्स सेटलमेंट, फिर है कोचराब आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिर लास्ट में दिया हुआ था टॉल्स्टॉय आश्रम। तो 90th का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सबसे पहले आएगा फिनिक्स सेटलमेंट, फिर आएगा टॉल्स्टॉय फार्म, फिर आएगा कोचराब आश्रम और सबसे लास्ट में आएगा सेवाग्राम आश्रम। 91st में आपको ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना था, कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है, मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ देता हूँ। पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर होल्ड द व्यू दैट देयर कैनॉट बी ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ सोशल इश्यूज। फॉर द पोस्ट मॉडर्निस्ट नॉलेज इज नॉट सिंपली अ कॉग्निटिव फैक्टर, नॉलेज इज ऑल्सो नॉर्मेटिव एंड पॉलिटिकल, पावर एंड नॉलेज आर म्यूचुअली सपोर्टिव एंड दे डिरेक्टली इम्प्लाई वन अनदर। द पोस्ट मॉडर्निस्ट आर क्रिटिकल ऑफ क्लासिकल लिबरल्स एज वेल एज कंटेम्प्ररी पॉजिटिविस्ट हु बिलीव्ड इन ऑब्जेक्टिविटी एंड सुपीरियोरिटी ऑफ साइंस। थ्रू डीकंस्ट्रक्शन द पोस्ट मॉडर्निस्ट वॉन्ट टू लुक एट एवरी एक्सेप्टेड और सेटल्ड आइडियाज विथ न्यू लेंसेस। आपके इसमें फिर सब क्वेश्चंस दिए हुए थे 91 से लेकर 95 तक, उसके आंसर्स आपको मार्क करने थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। आपके ऑप्शंस दिए हुए थे रिचार्ड एशली, मिशेल फुकोल्ट, जेनी एटकिंस या जे बर्टन। तो 91 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज जे बर्टन। फिर है क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। तो आपके कुछ दिए हुए थे पोस्ट मॉडर्निस्ट चैलेंज द नोशन दैट नॉलेज इज इटर्नल, नॉलेज इज लिंक्ड टू पावर, नॉलेज लीड्स टू प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड, नो नॉलेज इज इम्पार्शियल। तो 92nd का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नॉलेज लीड्स टू प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। 93rd में है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट प्रेफर्ड बाई पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स। आपके मतलब कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, वो थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, मॉडर्निज्म, सब्जेक्टिविटी। तो 93rd का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मॉडर्निज्म। 94th में आपसे पूछा है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर विच एट्रीब्यूट ऑफ नॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट। आपके ऑप्शंस थे नॉर्मेटिव, कॉग्निटिव, पॉलिटिकल, ऑब्जेक्टिविटी। तो 94th का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। 95th क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। जैक्स डेरिडा, इमैनुअल कांट, एच जी लास्की या फिर कार्ल ड्विस्ट। तो 95th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जैक्स डेरिडा। उसके बाद फिर से कॉम्प्रिहेंशन दिया था, इट वॉज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन और इसमें सब क्वेश्चंस दिए हुए थे 96 से लेके 100 तक। तो चलिए मैं पैसेज को पढ़ देता हूँ। द टर्म ग्लोबलाइजेशन प्राइमरली रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक ट्रेड, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स, लेबर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अक्रॉस बाउंड्रीज, फैसिलिटेटिंग हायर लेवल्स ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस इन द वर्ल्ड। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन सोशियो पॉलिटिकल सेक्टर्स नेशनली एंड इंटरनेशनली। द इंक्रीजिंग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक MNCs, द NGOs एंड द IGOs हैव क्वेश्चन द सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी।
The rich states are benefited due to their superior control over the flow of capital, technology and communication system. A profit-oriented global market can never think of benefits of all the people of the world. The North-South divide has not been obliterated. तो इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देखने हैं आपको. क्वेश्चन क्या पूछ रहा 96th? Which one of the following has not limited state sovereignty? आपके ऑप्शन मतलब दिए हुए थे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनोमिक प्रेशर ग्रुप्स. तो 96 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एनोमिक प्रेशर ग्रुप्स. 97th क्वेश्चन है, द ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज द डिमांड्स फॉर लेसिस फेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, टोटलिटेरियन स्टेट या फिर सोशलिस्ट स्टेट. तो 97th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेसिस फेयर स्टेट. उसके बाद पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? द स्टेट हैज बिकम वीक इन शेपिंग द फ्लो ऑफ कैपिटल, इंटरनेशनल ट्रेड एंड लेबर, फिनांस या फिर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज. तो 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज. 99th क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन हैज इंड्यूस्ड ग्रेटर अर्बनाइजेशन, ट्रेडिशन, रूरल सोसाइटीज या फिर पैरोकियल कल्चर. तो 99th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अर्बनाइजेशन. 100 और आखिरी क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर लैटिन अमेरिका. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज यूरोप एंड अमेरिका. दोस्तों बताना यही चाहूंगा कि जो पैसेज के जो क्वेश्चंस आए थे इस बार यूजीसी नेट में 10 क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इजी थे और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आप पैसेज से डायरेक्टली निकाल सकते थे. जिन बच्चों ने ध्यान से पैसेज को पढ़ा था और क्वेश्चंस को देखा था उन्होंने इजिली इसको अटेम्प्ट किया होगा और जो जितने मार्क्स थे उन्होंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें स्कोर करने की कोशिश की होगी. और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेशन ख़त्म होता है. मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं. और इवन हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है मिशन तैयारी के नाम से ही, आप उसमें जुड़ सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू ये UGC नेट के पेपर्स के बारे में. हम कोशिश करेंगे कि UGC नेट के मैक्स टू मैक्स जितने सब्जेक्ट्स हो सके हम उसके क्वेश्चंस को अपने चैनल पे डालेंगे और आशा करते हैं आपसे कि हम आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके आपकी करेंगे. धन्यवाद दोस्तों.